हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्ट एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड सीखने वाले हैं, ठीक है, किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन, ठीक है, गुणांक को गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट का गुणांक कितना, नहीं कुछ है तो एक है प्लस में, और लास्ट का यहाँ पर गुणांक कितना है, माइनस दस है। तो इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस दस। अब इसको ऐसे दो भाग में बांटना है, ठीक है, जिसका गुणनफल माइनस दस होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है तो उसका अंतर कितना, थ्री एक्स होना चाहिए, थ्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बांट सकते हैं पाँच और तीन में, ठीक है, पाँच और सॉरी पाँच और दो में, पाँच दूना दस, और पाँच में से दो को घटा देंगे तो तीन बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए माइनस को यदि हम प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और पाँच को दो से दस, और पाँच में यदि माइनस पाँच में यदि हम प्लस दो को जोड़ेंगे तो माइनस तीन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें एक्स लगा देंगे। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और माइनस थ्री एक्स के बदले में हम लिख सकते हैं माइनस पाँच एक्स प्लस टू एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस पाँच एक्स प्लस टू एक्स, और यहाँ माइनस कितना है, दस है। अब यहाँ पर देखिए सम पद हो गया है, ठीक है, यानी चार पद हो गया है। अब इसका हम आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स है इसमें भी है और इसमें भी एक्स है। तो जितना कॉमन लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इन दोनों से एक्स कॉमन लिए हैं, तो जितना कॉमन लेते हैं उसमें उतना से भाग देते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे, इस एक्स से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि एक्स कॉमन लिए हैं, तो इससे जैसे भाग दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स बटा एक्स, तो एक एक एक्स कट जाएगा तो एक एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो इस एक्स को यहाँ पर लिख देंगे, फिर यह माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर पाँच एक्स में एक्स से भाग करेंगे, ठीक है, तो पाँच एक्स में एक्स से भाग करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा तो ये पाँच बचेगा, इस पाँच को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में दो कॉमन होगा, ठीक है, प्लस में, तो दो कॉमन ले लेंगे और जितना कॉमन लेते हैं उसमें उतना से भाग देते हैं। जैसे टू एक्स में दो से भाग देंगे तो दो दो कट जाएगा और यहाँ पर एक्स बचेगा, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर दस में दो से भाग करेंगे तो दो पंचम दस, ठीक है। और आप लोग हमेशा याद रखिए ये जो डब्बा वाला होगा ये दोनों हमेशा सेम होगा, ठीक है, यदि आपका सेम नहीं है तो समझ लीजिए आपका गुणनखंड गलत है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों कॉमन ले लेंगे, ये जो डब्बा है एक्स माइनस पाँच ये कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा एक्स प्लस टू, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस छः का गुणनखंड क्या होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।